जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के काला रोज इलाके में इन दिनों भारी बर्फ पड़ी है। बर्फ के कारण रास्ते बंद हो चुके हैं और सेना ने भी अपनी मूवमेंट बंद रखी है। ऐसे चुनौतीपूर्ण हालात में प्राइमरी हेल्थ सेंटर काला रोज में उपचाराधीन एक गर्भवती महिला की हालत अचानक बिगड़ गई। उसे पेट में काफी दर्द हो रहा था, खून काफी बह चुका था और लीवर भी खराब हो गया था, लेकिन रास्ते बंद होने के कारण उसे एम्बुलेंस से अस्पताल नहीं भेजा जा सकता था। इन परिस्थितियों में हेल्थ सेंटर के डॉक्टरों ने शुक्रवार सुबह सेना से संपर्क कर मदद की गुहार लगाई। चूंकि रास्ते पूरी तरह से बर्फ से ढके थे और कोई छोटा वाहन काला रूस तक नहीं पहुंच सकता था, लिहाजा सेना की टीम 2.5 टनर लेकर रवाना हुई। जाबाज ड्राइवर ने बर्फ के बीचों बीच वाहन को हेल्थ सेंटर तक पहुंचाया और वहां से महिला को सुरक्षित लाकर कुपवाड़ा के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां अब उसका इलाज चल रहा है। सेना की इस त्वरित कार्रवाई से गर्भवती महिला की जान बच पाई, जिसके लिए क्षेत्रीय लोगों ने सेना की काफी प्रशंसा की है। सबसे पहले हमें बीमार ने बोला, मेरे को बहुत तकलीफ हो गया है, लिहाजा सर लगभग 5 बजे से हमें घर से निकले। सुबह पांच बजे उसके बाद क्या हुआ? सुबह 5 बजे हमने डांची पर कंधे पर उठा कर लाया वहाँ काला रूस में। किस इलाके से आपने डांची? हमने नागसरी से, नागसरी बड़ी बैग उसको बोलते हैं, वहाँ से लेकर हम काला रूस में जब पहुंचे हैं तो वहाँ 3 गाड़ियां खड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने बोला ये हमारी गाड़ी नहीं चल सकेगी कुपवाड़ा में, अब हम रफ्ता कर से फौज से कोई नंबर लिया, साहब का नंबर लिया तो फौरी तौर फौज आर्मी पहुंचाई, गाड़ी लेकर पहुंचाया तो हम कुपवाड़ा में यहाँ उन्होंने पहुंचाया, लेकिन हमारा कोई भी सूत्रा वहाँ नहीं है नागसरी में। अगर आपको लगता है अगर फौज आपको गाड़ी नहीं दे पाती तो आपका पेशेंट रास्ते में मर जाता सर। हमको 2 दिन भी वो गाड़ी नहीं मिलती है तो 1-2 घंटा की तो बात ही नहीं है।